हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ कलाकृति। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही फन एंड चैलेंजिंग बेडरूम मेकओवर, क्योंकि ये बेडरूम मेकओवर होने वाला है लोअर फ्लोर बेडरूम, विच आई एम गोइंग टू टर्न इट इनटू अ कोजी एंड स्टाइलिश रिट्रीट। सो लेट्स डाइव राइट इन। तो इस बेडरूम का जब मैं मेकओवर कर रही थी ना, तो मैंने यही सोचा कि मैं इसके लिए कोई नया बेड परचेज नहीं करूँगी, पर हाँ, नया मेट्रेस ज़रूर लूँगी जो काफ़ी अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, बढ़िया हो। और उसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च करी और काफ़ी मैंने वीडियोस देखी, तो मेरी नज़र पड़ी फ्लो मेट्रेस पे, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर मिलता है। और इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। एंड इट कम्स अलॉन्ग विद 10 ईयर्स वारंटी। दिस इज़ फ्लो एंटी ग्रेविटी मेट्रेस, जो आपको महसूस कराता है दैट यू आर फ्लोटिंग ऑन वाटर। 100% नेचुरल लेटेक्स से बना हुआ है टॉप लेयर। मिडिल लेयर इज़ सुपर सॉफ्ट ट्रांजिशन फॉर्म, और जो बेस है वो फ्लो रिस्पॉन्सिव फॉर्म है। एंड इट ऑल्सो कम्स अलॉन्ग विद जिप्ड वॉशेबल चारकोल कवर, विच इज़ वेरी सॉफ्ट। सो दिस ब्रांड क्लेम्स कि अगर एक साइड पे आप जंप करते हो तो दूसरी साइड बिल्कुल मूव नहीं होती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पानी का ग्लास रखा है, और आप देख सकते हो कितनी जोर से ही इज जंपिंग, बट पानी का ग्लास नहीं गिरा। एंड इट इज ड्यू टू मोशन आइसोलेशन टेक्नोलॉजी, एंड द ब्रांड हैज राइटली क्लेम्ड इट। ये बाकी के ब्रांड से काफी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में पड़ता है, क्योंकि ये डायरेक्टली शिप होता है फैक्ट्री से सीधा आपके घर में। नो मिडिल मैन, नो कमीशन। तो अब समर लुक के लिए हम अपना बेडरूम डेकोरेट कर रहे हैं, तो कलर्स इस तरीके से रखो कि आंखों को चुभे ना। सटल कलर्स भी हो, पर आपका रूम कलरफुल भी लगे और लाइट आपके रूम में अच्छी आए। तो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से मैंने लिया है। नाउ लेट मी शो यू वन ऑफ माई फेवरेट बेडशीट, विच इज़ 100% कॉटन। बहुत सॉफ्ट है, किंग साइज बेडशीट है, एंड इट्स बीन लाइक 1.5 ईयर्स। इसका कलर कभी फेड नहीं हुआ। 180 थ्रेड काउंट की है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल की है। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको नया सामान खरीदना पड़े, पुराना सामान की क्वालिटी अगर अच्छी होगी ना तो आप उसको सालों साल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये कुशन कवर्स बहुत टाइम से मेरे साथ है, अमेजोन से लिए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू चेक द कम्फर्टेबिलिटी ऑफ दिस अमेजिंग मेट्रेस, जिसके अंदर आपको मिलता है बहुत ही कूल इफेक्ट, बिल्कुल स्वेट नहीं आता है, एंड यू गेट अ वेरी गुड स्लीप without AC as well. So if you are looking out for new mattress, so don't forget to check out Flo mattress as well. So as we talking about summers, तो ये rechargeable portable fan मुझे बहुत पसंद आया। 699 rupees के अंदर है। इसमें आपको एक supporting base मिलता है, जिसमें आप अपना portable fan को standing position में रख सकते हो। ये 3 मोड्स के साथ आपको मिलता है, और इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। अगर आप हाई स्पीड पर चलाते हो तो 1 आवर, मीडियम स्पीड पर 2 आवर, और लो स्पीड पर 5 आवर्स। इसमें आपको रिचार्जेबल बैटरी मिलती है जो लिथियम आयन की बनी हुई है। टेबल डॉक है साथ के अंदर, जिससे आप इजीली रिचार्ज कर सकते हो इन अ स्टैंडिंग पोजीशन। सो दिस फैन कम्स अलोंग विद एन अमेजिंग फीचर, इट हैज अ मोबाइल स्टैंड व्हिच कम्स अलोंग विद टिल्ट फीचर, सो दैट इट विल नॉट फॉल ऑफ। इट इज़ मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट, आप इसको मेकअप के लिए, कैंपिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, बेबी केयर के लिए यूज कर सकते हैं। So I've recently purchased this beautiful bedside table, और इसका मैंने YouTube short भी बनाया था। आप में से बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत लोग link मांग रहे थे, तो इस video के अंदर आपको इस के description box में link भी मिल जाएगा। तो इसकी styling करना बहुत easy है, और ये product इतना sleek और compact है। ये बना हुआ है engineering wood से, बिल्कुल भी flimsy नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ऊपर आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है। अगर आप इसे डेकोरेट करना भी चाहते हो और साथ में आप इसे फंक्शनल भी बनाना चाहते हो, यू वांट टू कीप योर डायरी, पेन, और यू वांट टू कीप योर वाटर बॉटल, तो ये बहुत अच्छा आपको स्पेस देता है। तो आप इसको चाहे अपने लिविंग रूम में रखो या बेडरूम में, दोनों पर्पज़ सॉल्व करता है। इसकी जो ड्रॉर्स हैं काफ़ी सुंदर हैं, बिल्कुल जाली डिज़ाइन के अंदर है, विच आई रियली लाइक दैट। ड्रिल से बचने के लिए ये कमांड नेल्स मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी पेंटिंग्स मैंने इसी पे ही हैंग करी हैं। तो यहाँ पे मैं जापनीज वॉल आर्ट यूज़ कर रही हूँ, सेट ऑफ 3 के अंदर है, कैनवस प्रिंट है, और काफ़ी सुंदर है। तो जब लोअर बेड फ्लोरिंग है तो एक बड़ा सा रग होना चाहिए कुछ इस तरीके का, जिसपे आप बैठ के कुछ काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ अमेजोन से सामान मंगवाया था थोड़ा डेकोरेशन के लिए, और आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि दीज आर द लेटेस्ट वन। तो ये बहुत ही प्यारी जूट
प्लांटर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आए। ये सेरामिक के सेट ऑफ टू के अंदर है और ये भी बहुत सुंदर है, एकदम मटके शेप में और सुरमई शेप के अंदर। और ये प्यारे से बेबी ब्रेथ फ्लावर्स लिए हैं और ये ग्रीन प्लांट्स, यूकेलिप्टस का ये एक यू नो फेक प्लांट है जो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी बोहो लुक देता है। तो साथ में ना ये लेग्स मिलते हैं और जिससे हाइट क्रिएट हो जाती है, एलिवेशन आ जाता है और आप अपने फेक प्लांट्स या रियल प्लांट्स इसके अंदर रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको कॉर्नर पे रख रही हूँ क्योंकि ये प्लांटर्स एज अ सेट ऑफ थ्री में आए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, आपको हाइट भी मिल जाती है और प्लस देखने में भी बोहो लुक आती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने सेटिंग करी है फिलहाल इस कॉर्नर की, जो मुझे तो अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जो भी बेडरूम होता है ना, मैं उसमें हमेशा कोशिश करती हूँ कोई काउच रखूँ या फिर कोई चेयर्स रखूँ जो कंफर्टेबल रहे। आपके पास एक दोनों ऑप्शंस रहते हैं, आप नीचे भी बैठ सकते हो, अगर आपके पास काउच है आप उस पर बैठ के अपना काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे काउच रखा है, थोड़ा कंफर्टेबल है और बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला काउच। इस पर मैंने सोफ़ा थ्रो रखा है और ये प्यारे से कुशन कवर्स भी मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं। अगर आपको ये बहुत सुंदर लग रहे हैं तो मैं इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और अब आती है बारी इस एरिया की, ये है मेरा वॉक इन क्लॉज़ेट। जब भी आप अपनी कंसोल टेबल को डेकोरेट करें तो मेक श्योर कि अगर आप सेरामिक यूज़ कर रहे हैं, वेसेस यूज़ कर रहे हैं, तो डिफरेंट साइज़ के लीजिए, एक एलिवेशन हाइट क्रिएट कीजिए जिससे वो जगह बहुत आई कैचिंग लगेगी। ड्राई लीव्स या फिर आपके पास कुछ इस तरीके के फेक प्लांट्स हैं और अगर आप उस कॉर्नर को एलिवेट करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन यूज़ करो। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you. लो बेड फ्लोरिंग के अंदर ना आपको रूम में ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और आप इस तरीके से रग्स लगा के भी काम कर सकते हो। तो मुझे ये बेडरूम का मेकओवर तो अच्छा लगा, सिंपल है, यहाँ पे कोई स्पेशल DIYs तो नहीं किए, पर घर में जो भी चीज़ें थी मैंने उन्हीं को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया है। अगर आपको भी प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल दैट टाइम गाइस बाय।